माकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। और ये देखिए भाई साहब आए हुए हैं हमारे माकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में पधारे हुए हैं। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? छपरा बिहार से। देखिए छपरा बिहार बहुत दूर जगह होता है और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है, उतना दूर से भाई साहब आए हुए हैं। सर आप आज ही आए हुए हैं ना? जी आज ही आए हैं, आज सुबह आए हैं 11 बजे देखिए आए हुए हैं। और इन्होंने करीब 2 बजे के करीब आपको हम लोग रोस्ट करके दिखाए हैं हर चीज़। आप क्या क्या रोस्ट देखे, मतलब फ्रेंच आइटम और ये चना मुढ़ी। अच्छा, आप तो फ्रेंच आइटम लेके भी आए थे? हाँ लेके आए थे। क्या क्या लेके आए थे? 5-6 किस्म का वो फ्रेंच आइटम लेकर आए थे। अच्छा, तो आप रोस्ट करके देखे ना? हाँ देखे। अच्छा तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। जर्नी कैसा रहा दादा हमारे यहाँ तक आने का जर्नी? नहीं नहीं आने का रहा, गाँव का अंदर है। ठीक ठीक है। जो फैसिलिटी हमने लगाई है कि आगरा से हम रिसीव कर लेंगे वो सही सही है कि नहीं? एकदम एकदम सही है। हमारा व्यवहार कैसा लगा? हमको भी आने में थोड़ा ये लग रहा था कैसा हो कैसा जाएंगे। एक्चुअली हमारा गाँव का बहुत अंदर है, हाँ तो हम ऑटो भेज देते हैं फिर रिटर्न भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को मैसेज लेना ही पड़े। बस आइए देखिए। हाँ और मतलब शुरू में आपको डर लग रहा था ना? कैसा जाने से लगेगा? हाँ तो फिर आने के बाद आपको कैसा? नहीं अभी तो एकदम ठीक है, कोई कंफर्टेबल सर ना कि नहीं? ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं कि आने से मशीन लेना ही पड़ेगा, वैसा बात नहीं है। हाँ 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 बस यही ये नहीं है कि ऐसा आने के बाद लेना ही पड़ेगा। हाँ तो लीजिए, नहीं तो जाना नहीं चाह रहे थे, इतना फ्रेंडली हो गया था। हमें तो उसको भी बोला था कि दादा रात में रह जाइए इधर, तो उसने रह रहा था कटिया का। दो दादा आए थे एकदम फ्रेंडली, वो जो गया था घर के गया था तो वो भी रो पड़ा था, मैंने एकदम क्लोज हो गया था। मुझे दिख चीता था कि ऐसा घर में रिलेटिव आते हैं ना फिर छोड़ के चला जाते हैं तो बहुत खराब लगते हैं। ऐसा नहीं कि लेना ही पड़ेगा, आप फिर भी आप बहुत दूर से अकेले है, अकेले आए हैं, थोड़ा सा तो भरोसा है शायद मकान ऑटोमोबाइल आप सब में। अच्छा तो मुढ़ी भी, मुढ़ी भूंजे ना, मुढ़ी चना ये सब भी तो भूंजे फ्रेंच आइटम के बाद? हाँ वो सब तो देखे हैं, सही है मुढ़ी भी सही है। अच्छा अच्छा, तो मुढ़ी आप अपने खुद भी लाए थे एक? हाँ, देसी वाला आपका? हाँ आपका भी वो किए? हाँ मेरा तो हाँ। आपको ड्राई करके दिखाए, दिखाए जो नमक पानी देके हाँ, कैसे ड्राई किया जाता है। बेहतर क्वालिटी चना में थोड़ा सा हो सके? नहीं मुढ़िया तो क्वालिटी मतलब बहुत बढ़िया है, मुढ़ी का क्वालिटी बहुत बढ़िया है ना? और फ्रेंड्स में भी कुछ जो कोई कोई जा था वो नहीं है। चना मुड़ी के लिए एक्चुअली जो रोस्टर बना था आज से 20-25 साल या 30 साल पहले, तो जो अभी बनाए थे कुछ चाहे वो गाजियाबाद से कोई मिस्त्री बनाए थे वो स्पेशली चना और चावल के लिए मुड़ों के लिए बनाए थे। फ्रेंड्स रोस्टर तो आप लोगों ने बना दिया ऐसे, मतलब आके कोई कोई आके बोला कि हमको ये रोस्ट करके दिखा दीजिए, तो ऐसे करते करते हम लोग फ्रेंच भी करते हैं। हमने दादा को बोले थे कर भी आए थे जो जो बिजनेस करेंगे हमको कि ये फ्रेंच आइटम हमको, हमने दादा को बोल दिया था तो कि जो बिजनेस आप करेंगे उस थोड़ा थोड़ा करके रहिएगा। जैसे ये पहले ये एक इसका जो सर्पल है ना ये क्या कहते दादा इसे? क्या नाम है इसका? थोड़ा खोल के दिखाइएगा, थोड़ा सा दिखाने से। मकाई का दाना है। मकाई हमने वर्ष कम बार भूजे, लेकिन कुछ भी नया आइटम भूजिएगा ना तो मतलब डरने का नहीं है, थोड़ा सा पीछे डाल के आप टेस्टिंग कर लीजिए कि कैसा क्वालिटी आ रहा है, जब आपको बढ़िया लगे तब होलर का लॉक खोल दीजिए बस। बाकी आप ग्लोर कैसे फिटिंग करेंगे कैसे क्या करेंगे आप थोड़ा सा हम वीडियो भेज देंगे, वीडियो ध्यान से देखिएगा वीडियो में। हाँ मिस्त्री थे पहले पहले वहाँ पे निकल गए मिस्त्री। अच्छा आपको आपको मिस्त्री जो समझा रहे थे जो हीटिंग जो मेन सबसे बड़ी चीज होता है वो बहुत बढ़िया समझा रहे थे। हाँ कि ऐसे ऐसे मतलब हाँ आप आपको भी आइडिया आ गया होगा कि हीट मेन चीज होता है और नमक से जो फ्रेंच का चीज होता है वो नमक से भूंजिएगा क्योंकि कहीं बालू से किरकिरापन आ जाता है, नमक के लिए बेहतर। और चना और मुढ़ी के लिए बालू से भूंजिएगा। ठीक है तो देखिए ये माकाली ऑटोमोबाइल्स ने दादा ये देख फ्रेंच आइटम लाए हुए हैं, इतने सारे आइटम लाए थे वो हम लोग को दे के बहुत सारे चले गए और ये थोड़ा सा लेके जा रहे हैं। इन्होंने दादा को दिखाएंगे कि कैसा है नहीं है घर में, इसलिए लेके जा रहे हैं। और बहुत दूर से आए हुए हैं ये मेहमान हमारे, तो हमारे दादा से और एक बार पूछ लेते हैं। सर हमारे कारखाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा उधर देख के, मतलब अच्छा लगा कारखाना, कोई दिक्कत नहीं हुआ वहाँ आधा से तो हम तो गया था। और हम लोग का जो गेज देखे जो मोटा वाला गेज है कि पतला वाला गेज है वो सही है ना?
तो दादा सब इधर देखे थे बहुत सारा सब पड़ा हुआ है जो। हाँ तो दादा देखिए हमारा मशीन का मोटाई पतला है या मोटा है ठीक है, गेज जो देखे ना ये जो थिकनेस जो मोटाई वो अच्छा है ना। हाँ तो दादा सब कुछ देख के बहुत संतुष्ट हुए हैं और हमारे महाकाली ऑटोमोबाइल्स में बच्चा हाथी जो आप लेके जा रहे हैं और अगर कोई तकलीफ होगा भुंजने में या कोई भी मतलब दिक्कत होगा तो फ़ोन कीजिएगा, हम लोग हर सहूलियत के लिए हम लोग मतलब रहेंगे ठीक है। तो सर ओके थैंक यू धन्यवाद।